हेलो गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ दाल पूरी। लॉकडाउन में हम सब लोग बाहर के खाने को बहुत मिस कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि ना घर में ही कुछ बना लेते हैं। तो मैंने सोचा कि आज दाल पूरी बना लेती हूँ, और ये भी सोचा कि मैं खाऊंगी और मेरे सारा फ्रेंड्स भूखा रह जाएगा, ये तो नहीं हो सकती ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं बना लेती हूँ और मेरी ये रेसिपी आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ, ताकि ये रेसिपी देखकर आप लोग भी कुछ बना सको। तो चलिए देखते हैं कैसे दाल पूरी बनता है, मैं कैसे बनाती हूँ ये आपको दिखाऊंगी। और हाँ, अगर आपने पहले दाल पूरी बनाया है तो अच्छा है, अच्छी बात है। अगर नहीं बनाया है तो ये रेसिपी देख के ज़रूर बनाना। और हाँ, कॉमेंट करके बताना कि मुझे कैसे बनाना चाहिए, किस तरह बनाना चाहिए, और मैंने जो बनाया है वो आपसे मिलता है या नहीं। आप एक्स्ट्रा क्या यूज़ करते हो दाल पूरी में, सो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, मैं कमेंट की इंतज़ार में रहूँगी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। दाल पूरी के लिए सबसे पहले हमें दाल चाहिए, और मैंने दाल ले लिया है। अभी हम इसको बॉईल करने के लिए बिठा देंगे। लगभग 20 से 25 मिनट तक हम इसे बॉईल करेंगे, जब तक ये अच्छी से बॉईल ना हो जाए। तो मैंने ऑलरेडी बॉईल करने के लिए बिठा दिया है, आप देख सकते हो कढ़ाई में, और हम इस कढ़ाई को ढक देंगे। और हाँ, इसमें थोड़ा नून ऐड कर लेना, ताकि जल्दी से ये बॉईल हो जाए अच्छी से। और दूसरी तरफ हम चावल की आटा और मैदा दोनों मिक्स करके ले सकते हो, और एक भी ले सकते हो, ले लिया है। हम अभी इसमें नून ऐड कर देंगे, थोड़ा ऑयल ऐड कर देंगे और पानी ऐड कर देंगे, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप जैसे घर में रोज़ रोटी बनाते हो या चपाती, जो कोई भी हो बनाते हो आप, जिस जैसे बनाते हो वैसा ही करना होगा आपको। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे बना लिया, रोटी के लिए रेडी है। अभी हम देखेंगे दाल को, दाल कितना हुआ है। अभी थोड़ा बहुत बाकी है, क्योंकि अभी यहाँ पे पानी रह गया है, अभी पूरा से बॉईल नहीं हुआ। तो देख सकते हो मेरा बॉईल हो गया है, लेकिन इसमें अभी भी थोड़ा पानी है, लेकिन पानी नहीं रहना चाहिए। और इसी टाइम पे आपको थोड़ा हाथ, आपके हाथ को दर्द करना चाहिए, क्योंकि ये हम जलने नहीं दे सकते हैं। अगर हम इसे ऐसे छोड़ देंगे तो ये जल जाएंगे, लेकिन जलने नहीं दे सकते, तो इसका पानी जो है, पानी को सुखाना होगा। तो इसे कॉन्टिन्यूसली गूंदने पड़ेंगे। तो देख सकते हो मेरा दाल काफ़ी हो चुका है, 90% हो चुका है, अभी हो चुका है 100%। तो देख सकते हो कुछ ऐसा बना है। हम इसे ठंड कर लेंगे, कूल करने के लिए छोड़ देंगे। अभी दूसरे साइड पे हम रेडी करेंगे, थोड़ा ऑनियन ले लेंगे और ग्रीन चिली ले लेंगे, इसे कट कर लेंगे। देख सकते हो मैंने ले लिया है ऑनियन और ग्रीन चिली। अभी हम एक कढ़ाई में थोड़ा तेल डालेंगे, और इस ऑनियन कट करके ऑनियन और ग्रीन चिली को अच्छे से, देख सकते हो इसमें थोड़ा नून हल्दी पाउडर डालेंगे, और अच्छे से ये ब्राउन कलर होने तक इसे छोड़ देंगे। देख सकते हो थोड़ा ब्राउन हो गया है, हम इसे अभी वो दाल में ऐड कर लेंगे। देख सकते हो अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने दाल में। अभी इस रोटी के अंदर ऐसे करना है आपको, देख सकते हो। आपको ये अंदर रोटी के अंदर घुसाना है आपको। अभी हम इसको अच्छी से, आप रोटी जैसे बनाते हो ऐसे ही कर लेंगे। अभी हम इसको एक कढ़ाई में तेल
डालेंगे और तेल गरम होने तक वेट करेंगे, और तेल गरम होने की तक तक लगभग ही वो जो चपाती जो रोटी मैंने जो बनाया है वो अच्छी से तेल में छलान लेंगे और अच्छी से देख सकते हो। तो मेरा दाल पूरी बन गया है। देख सकते हो बन गया है, मैंने बना लिया है या। तो देख सकते हो मेरा दाल पूरी रेडी है। आप भी बनाओ जल्दी जल्दी और मुझे कमेंट करो। सो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कैसा बनता है। तो ये था आज का रेसिपी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए हम एक्स्ट्रा क्या यूज करते हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मैं कमेंट के इंतजार में रहूंगी। आज के लिए इतना ही था। बहुत ही जल्द लौटूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब के लिए बाय।